अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है और सबक नंबर जो है वो 11 है। हमारा आज का उनवान है बादल का गीत। हम बादल का गीत के जो हैं वो तशरीह मुकम्मल कर चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। आज हमने इसका बुक वर्क जो है वो मुकम्मल करना है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। एमसीक्यूज है हमारे पास। पहला एमसीक्यू है कि बादल का घर किन गहराइयों में है? दरिया की, ज़मीन की, समंदर की या फिर पानी की? तो मैं करेक्ट ऑप्शन बोलूँगी, आपने टिक करते जाना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है समंदर की, ठीक है। और अगला सवाल है हमारा एमसीक्यू है कि बादल ने किसकी धुन में वतन छोड़ा? सितारों की, आसमान की, चांद की या फिर पहाड़ों की? तो इसका जवाब है, इसका करेक्ट ऑप्शन है कि सितारों की। हवाओं ने बादल को कहाँ बिठाया? दरख्तों पे, शाखों पे, पहाड़ों पे या फिर आसमानों पे? तो इसके करेक्ट ऑप्शन है शाखों पे। बादल को पर्वत की चोटी किसने दिखाई? हवा ने, सितारे ने, मौज ने, झोंके ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है झोंके ने। बादल को किसने पटखनी दी? हवाओं ने, झोंकों ने, पहाड़ों ने, लहरों ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहाड़ों ने। अगला एमसीक्यू है लास्ट वाला कि तीन मिसरों के बंद वाली नज़्म को क्या कहते हैं? मुसद्दस, मखमस, रुबाई या फिर मुसल्लस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मुसल्लस, ठीक है। अगला है जी कि मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें, ठीक है। पहला है कि मेरा घर समंदर की गहराइयों में, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं, मुझे ले उड़ी परियां हवा की, समंदर से उठा पर्वत पे छाया। मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। अगला सवाल है मुतरादिफ अल्फाज, आफत, मुसीबत, शाख, टहनी, रंज, गम या दुख, पर्वत, पहाड़, बिलबिलाया, गिड़गड़ाया, धरती, ज़मीन? अगला है हमारे पास वाहिद जमा है, लहर, लहरें, गहराई, गहराइयों, शुआ, शुआएं, हवा, हवाएं, गुत्थी, गुत्थियां, शाख, शाखें, झोंका, झोंके, ठीक है। ये कुछ जमा थे जिनके आपने वाहिद लिखने थे, कुछ वाहिद थे जिनके आपने जमा लिखने थे। वाहिद हमने पहले कर लिया, अब जमा थे हमारे पास, अब जमा के हमने वाहिद लिखने थे शाखें, शाख, झोंके और झोंका, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि अल्फाज जुमले, अल्फाज के जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास आंसू। बूढ़ी बेवा की दुख भरी कहानी सुनकर मेरे आंसू टपक पड़े। पर्वत, मई में ऊंचे ऊंचे पर्वत आसमान से बातें करते हैं। अगला है झोंका, हवा का तेज झोंका झूमता हुआ आया। फानी, ये दुनिया फानी है। राज, अपना राज हमेशा दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए। आगे है कि इन अल्फाज का मफहूम वाजिया करें। तप्ती शुआएं, सूरज की तेज़ गर्म किरणें, नशीली हवाएं, मस्त कर देने वाली हवाएं, शोक परियां, चमकीली हवाएं, बिलबिलाना, गिड़गड़ाना या फिर तड़पना, गुत्थी खुलना, उलझन या फिर मुश्किल का आसान होना, दिन फिरना, गए हुए दिनों का वापस आ जाना। अगला सवाल है हमारे पास अल्फाज मुतजाद। पानी, बाकी, रंज, खुशी, अफसोस, खुशी, गहराई, ऊंचाई, वतन, परदेश। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कॉलम मैचिंग है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से आपने मिलाना है। समंदर, गहराई, लहरें, मौजें, सीपियां, मोती, चमका, दमका, रंज, गम।
हमारी आज की डायरी है कि अल्फाज जुमले आपने लिखने और मुकम्मल बुक वर्क जो है वो आपने याद करना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।